आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार पर। मैं बन का पंछी बन के संग संग बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग बोलू रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के 4 थे, इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। 4 में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 आई बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। गाड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 डिरिडिरिडे तुरुडुरुडुरुडो। अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई जो हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नकर करते रहे पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो।
फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई। रेल गाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पर डंडी टीले पर झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर 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 मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल, पटलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पटलीपट्टनम, ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव 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 कोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर, चुक 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 चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क 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 धड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, रुक 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 रुक। जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे। सावन की बदरी चलो तेरे साथ ना करियो बेकदरी, खांडव खुरमा खांडव खुरमा, राखी को है जैसे आंखों में सुरमा, गुड़ की होली गुड़ की होली, साथ रहे जैसे बेला चमेली, बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए, उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी। पीयू पीयू बोल पीयू पीयू बोल, प्राणपति है पीयू पीयू बोल, मेरे जीवन की जमुना में, मेरे जीवन की जमुना में, जाग उठे मंजुल कल्लो, जाग उठे मंजुल कल्लो, प्राणपति है पीयू पीयू बोल। पल पल निज
प्रतिदिन सांझ सकारे मुझे सजन का नाम सुना रे मुझे सजन का नाम सुना रे पिय का नाम बड़ा मनोरंजन पिय का बोल बड़ा अनमोल तान पती है पियो 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 बोल पियो पियो बोल अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं उनमें उल्लेखनीय है 1939 में आई फिल्म कंगन 1940 में बंधन और आजाद इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे मेरी नाव चली रे न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे मेरी नाव चली रे कोई कहे यहाँ चली कोई कहे वहाँ चली कोई कहे यहाँ चली वहाँ चली मन ने कहा पिया के गाँव चली रे पिया के गाँव चली रे मेरी नाव चली रे मन के मित मेरे मिल जा जल्दी दुनिया के सागर में नाव मेरी चलूंगी मन के मित मेरे मिल जा जल्दी दुनिया के सागर में नाव मेरी चलूंगी बिल्कुल अकेली अकेली चली रे चली रे मेरी नाव चली रे 1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी दोस्तों ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी दीरे, दीरे। आरे बादल धीरे आरे बादल धीरे धीरे जा मेरा बुलबुल सो रहा है मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है सारी दुनिया सो गई है रात धुंधली हो गई है सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई सो गई सो गई लैला किसी की इंतजारी में सो गई लैला किसी की इंतजारी में मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा मेरा बुलबुल सो रहा है मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान 1946 में शिकारी 1947 में साजन 1949 में महल 1950 में संग्राम और समाधि गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गले आया करो गोरी गोरी गोबा के छोरे शहराज बुलाया करो गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गले आया करो गोरी गोरी गोबा के छोरे शहराज बुलाया करो
दोस्तों, अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था। अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का,
फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीप में। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात जो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात जो दुहाई है दुहाई। हारे बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाय होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। 1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है, वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उम्र दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीजा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह। नंदन बन छुम छनन सछुम सछुम सत्यता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी। 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ऑपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपियरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनुप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया बल्कि बीआर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान, और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलेन हो गया। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। Yeah.
के तो लौट के आना। तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।